स्टार्टिंग में नहीं करना, स्टार्टिंग ये करना हम बोलेंगे हे गाइस वेलकम टू, मैं ये तुम नहीं बोलना, तुम दोनों बोलेंगे हे गाइस वेलकम टू, सी तुम बस सिंगल के बैठे रहना ठीक है। तो मैं बोलूँगा एक तो इस बंदी को सिंपैथी लेने से फुर्सत नहीं मिलती, मैं अब क्या हो गया हर चीज जो होगी वो तुम्हारे रूल के हिसाब से होगा। तो चलो स्टार्ट कर देते दोबारा। वन बोलो। वन टू थ्री। हे गाइस वेलकम टू बूम यार बड़ी मैं तैयार हूं। रुक जाओ। एक इस बंदी को इतनी सिंपैथी लेनी है पता नहीं क्या पब्लिक से। फालतू का हंसना यार नहीं लड़ हम अपने ब्लॉग फिर से शुरू करते हैं। वन टू थ्री पे हे गाइस बीप का मतलब ये गाली आप दे रहे तो बीप का मतलब ये आपकी बेइज्जती है। चलो स्टार्ट यार दिख रही है वीडियो में केक लड़ रहा है तो एक कह रहा सिंपैथी और मैंने पता नहीं मुझे लोग क्या कहे फिर यार लड़ो नहीं मुझे रिलैक्स होने दो समझ करना क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार समझ क्या मैं चुप बैठी रहूंगी अब तू तेरे से कुछ भी बोलो यार तुम उसको बहुत बोल रही हो बेटा हल्का कर दो फिर से स्टार्ट करो अब तुम चुप रहना हे गाइस वेलकम टू बूम बूम बडीज व्लॉग क्या हुआ तुम दोनों एक तो इसको सिंपैथी लेनी है ठीक है हर बात पे सिंपैथी तुम लोगों ने बताया कि नहीं साथ स्टार्ट करते हैं ना वन टू थ्री बोला जाता है एक मैनर्स होते हैं ओहो ये चीज भी तुम्हें वन टू थ्री कह के स्टार्ट करनी पड़ी करो तो चलो इनके सिंपैथी लेने का ये कामयाब हो गए सिंपैथी लेने में अब हम इनको बता ही रहे हम व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं अगर आपको जो प्रॉब्लम है वो पहले बता दीजिए वरना बाद में नहीं बोलेगा ठीक है शुरू से करो सो कट का तुम लोग जो है ना ये जो कर रहे हो ना अब दोबारा से कर या तुम लोग ना कैमरे में पास नहीं आ रहा नहीं यार जो भी है ना करो शुरू से करते हैं मुझे लग रहा है इसका मूड ऑफ हो गया रूल्स की बात हमने जो रूल्स की बात करी है ना इसका रूल्स और लॉज की अब देखो जो भी है एक ही दफा में करो यार माइक का मेरे को मुंह पड़ेंगे फिर माइक का तंग आ गया तुम्हारा मुंह बता दो कोई ऑफ नहीं है लेकिन अब एक ही दफा करो अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा हम कर लेंगे तो बता दो करवा देंगे ऊपर से भी डालेंगे इस वजह से बोलेंगे जबान संभाल
एक तो मैं तंग आ गया, तुम दोनों से तुम लोग डिसाइड करो लड़ना है या व्लॉग बनानी है। दोनों व्लॉग बनानी है लेकिन जबान अपनी कंट्रोल में रख के सर। चलो ओके, तुम भैया तुम बहुत लड़ रही हो उससे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या व्लॉग? मैं बोल रहा हूं लड़ो मत, तुम स्टार्ट करते हो, तुम तो अभी बोल रही हो। तैयारी में कुछ कितने दफा शुरू से करेंगे उसको छोड़ो, सब स्टार्ट से शुरू। अब तुम चुप रहना, चलो स्टार्ट। मुझे होस्टली में लड़ रही है वो, मुझे भी बोलिए साथ साथ और स्टार्ट करो, जो भी होगा वो देखा है। मैं अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर कुछ बोलना है तो उसको अभी बोल दो, बार बार जाना क्यों बोलना है, मैंने क्या किया वो भी। अबे वो पीछे वो तुम्हें मुझे कुछ बोलना तो बोल दो, तुम दोनों उसको बोलो उसको बोलो, तो मुझे क्यों बीच में लेके आ रही हो? अब तुम दोनों अजीब, तुम दोनों नहीं हम तीनों सुनते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये फिर स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी गाइस। क्या गाइस गाइस यार अशरा तुमने क्या ड्रामेबाजी लगाई है। चलो करते हैं। नहीं डलेगा क्या यार, ये सब डलेगा लेकिन सही तो करो, वो तो लड़े जा रही है यार। तुम लोग की ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही, मुझे तुम ये बताओ। चिल्लाओ मत। चलो यार स्टार्ट एक बार तुम ये बताओ। गाइस रिलैक्स एक सेकंड, बोलने दो ना, रुक जाओ। जब मैं कुछ बोलती हूं तो मेरे बोलने पे एतराज होता है, वो बोलती तुम्हें जब तक एतराज होता नहीं है। तो मैं किस बात पे एतराज करूं? क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ और तुम उसकी बड़ी बहन हो, मैं लाडली हूँ। यार एक बात सुनो, छोटी और बड़ी से कुछ नहीं हो रहा, ये तो तुम अशना हंस रहे हो, मैं दांत तोड़ दूंगी। मुझे असल में कर रही हो या मेरा सब दिमाग जो है ना बहुत ऑफ हो रहा है, ऑफ जो हो रहा है रूल की वजह से, जो रूल्स बनाए ऑफिस की वजह से। तो तुम पहले बोलती ना, ये तुम मुझे बात बताओ, रूल्स 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 को छोड़ो, मुझे रूल्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बस मुझे ऑफ हो रहा है मेरा दिमाग कि जब यार बात में एक बात बता रही हूँ। इस वक्त पहले तो ब्लॉग बंद करो कि ये शूट हो रही है, इसको बंद करो। अबे भाई क्या मजाक था, क्या सीरियस लेके बैठ गई? बंद कर दिया, बोलो। एक सेकंड दुआएं मांग रही इसका जीव है। अबे भाई तुम दोनों ब्लॉग में मैं नहीं रो रही, तो ये जो सही होगा हर वक्त। क्या अभी तो व्लॉग अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, मैंने अभी क्या साइड ले लिया यार? कुछ भी बोलो तुम, अशना ये अशना वो, यार तुम अगर मुझसे ये गलती हो जाती है व्लॉग शूट करते हुए तो मेरे ऊपर ऐसे चढ़ते हो। अच्छा अभी जो तुमने ज्यादा बोला उसमें क्या नहीं होगी, इसने बोला कि तुम ज्यादा बोल रही हो। अबे इसको ये लग रहा है कि तुम सीरियस हो गई, अगर तुम ड्रामा भी कर रही हो ना तो इसको ये लग रहा है कि तुम सीरियस हो गई। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोल रही हूँ, लेकिन ये ऑफ स्क्रीन भी यही करता है। तो तुम्हारे सामने नहीं है, मैं हंसी मजाक करता हूँ यार। मैं तो अपना हंसी मजाक अपने पास रखो ना, तुम उसकी हर वक्त साइड क्यों ले रहे हो? क्या साइड यार, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो तुम लोग कहने से चुप भी हो गई कि चलो चुप हो जाती है, तुम लोग संपत्ति वाला कर रहे हो। तो हमें असली में करना था सिंपल के जरा फनी के और मैं के तो फनी मजाक समझ रही हूं इन सब चीजों को। तो तुमको मैं बीवी ने बोला कि ये जरा ओवर हो रही है, ओवर हो रही है। ओवर होने की बात ही नहीं है, तुम सब अपना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और फिर वो मुझे बस गुस्सा आ रहा है, तुम लोग की ये हरकतें मुझ पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। इस पे तो वो उसकी तो बात छोड़ो, ठीक है उसका तो यही है कि वो अगर कोई भी चैलेंज हार जाती है तो वो समझती है हम जानबूझ के उसको हरा रहे हैं। छोड़ो ना, वो लगता है छोड़ो अब, मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन और दूसरी चीज ये, अगर मुझसे एक चीज गलत हो गई ठीक है ना ब्लॉग में, तो तुम लोग मेरे ऊपर शुरू तो ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, और अगर इससे और तो चलो दूसरा टेक कर लेते हम। यार ये मेरी चीज समझ में नहीं आ रही, आज व्लॉग शूट नहीं करना। मेरा अपना मूड ऑफ हो चुका है यार, मैंने तो कुछ जो तुमने बोला ना उस पे कह रही है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं है ऐसा जो मुझे लगी कि यार तुमने कुछ बोला नहीं है। लेकिन ना तुमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे हमारे इससे पहले ब्लॉग हुआ है ठीक है,
जैसे तुम हारी हो, हमने तुम्हें जानबूझ के हराया, ये सब चीजें स्क्रिप्टेड तो नहीं होती ना, ये हम उस वक्त टास्क करते हैं, जो भी चैलेंज करते हैं उसी वक्त होता है ना। अब मैंने जो शेक पिया था वो कितना गंदा शेक था, मैंने कुछ बोला उससे, अब तुम अगर तुम्हें चिल्ली खानी पड़ रही है ये तो हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, ये यार वो हो जाता है। तो बोली बद्दुआएं तो मजाक ही दे दे, तो क्या हो गया, इस वक्त क्या निकाल रही हो बात यार? मुझे बस वो गुस्सा जब से था तो मैंने अब बोल दिया। यार देखो मुझे भी अब बताओ, मुझे एक बात बुरी लगी थी कि तुम लोगों ने ना मुझे फर्स्ट दे दिया, कि तुम फर्स्ट पे तुम बनाओ, ना मुझे एक्सपीरियंस था ना कुछ था, मैंने तुम दोनों को देखा है ना तब मेरा दिमाग खुला है, इसका मुझे बनाना चाहिए। तो मैंने कहा यार जब मैं हारी मैंने देखा ही ना, मेरे दिमाग को बनाना नहीं कैसे करना चाहिए, मेरे हाथ चला मैं डर गई, ठीक है मैं कुछ नहीं करता। तो हारी भी मैंने, जीते भी गंदी गंदी खाई, सभी तबियत खराब है। बाद में कह रही हूं वो सब हो गया ना, हो गया, मैंने तो उस पे नहीं कहा ऐसा कुछ। फिर मैंने ये कहा कि तुमको बताया मत करो कि मेरी बाकी तबियत खराब है, अभी तुमको भी जाने के बाद मुझे फीवर हो गया, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। एक चीज मुझे तुम्हारी ये बुरी लगी, दूसरी चीज ये बुरी लगी कि हम दोनों में कुछ होता है, हम तुम्हारी साइड क्यों दे रहे हैं बार यार, मेरा तो इशू नहीं है यार। तो ये मेरे साइड से तो बोल ही नहीं रहा, फिर क्यों मैं फांगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं अकेली पड़ गई हूँ व्लॉग में और मैं तो मैं मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली पड़ गई व्लॉग में, मेरा कोई साइड लेने वाला नहीं है। यार एक बात सुनो, उसको लगता है कि मैं तुम्हारा साइड ले रहा हूं, तुम्हें लगता है मैं उसका साइड ले रहा हूं? यार तुम नहीं, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हो, मेरा कोई सपोर्टिव नहीं। क्यों लगता है तुम्हें? अपनी बात है, तुम सोच लेती हो। लगता है ना, नहीं मैं तो ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तो मुझे ना बहुत गुस्सा है आज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। एक बार बताओ, मैं तो मुझे तो हंसी आ रही है कि हम व्लॉग बना रहे हैं, अचानक झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा क्यों हो रहा है शुरू? मैंने तो ऐसा, अब वो तुम छोड़ो झगड़ा क्यों हो रहा है, मुझे तो ये बताओ अलग बोल दिया उसको तो तुम। अरे नहीं मैं ये कह रही हूँ, तुम अपना बोलो जो तुम्हें बोलना है, तुम बीच में मत टोको कि तुम गलत बोल रही हो, ओवर हो रही हो, तुम काट देना अगर तुम्हें बाद में ऐसा लगी ओवर हुई, तुम नहीं जैसे काट देना। अभी मुझे फील हुआ कि मैंने गलत बोला, अब मैं इससे बोलूँ चलो ये ये बताओ तुम अजीब, तुम अपना तुम सपोर्टिव वाला, तुम अपने लेकर आगे बीच में, मुझे ना मैं सही बताऊं, मैं वो अपना तुम बीच में लेके आ रही हो। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम दोनों अपना बनाते हैं, अर्चना को मत लो। इसने बोला नहीं अर्चना को लेंगे हम ब्लॉग में, अर्चना को लेंगे, अब मेरी तुम दोनों से नहीं बन रही, हम लोगों में टीम वर्क ही नहीं है, तो फिर बेकार है ना। यार देखो अगर वो कुछ कर रही है, मटो को उसको करने, तो जो कर रही है, जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो, बाद में तुम्हें वीडियो में लगे ना कि यार ये चीज अलग है, काट देना, कोई इशू नहीं है बात का। छोड़ो अभी मुझे वीडियो नहीं बनानी, ना मुझे बनानी ना, मेरा कोई इस तो यार तुम पहले बोलती ना, मैं इसको बीच में लेकर नहीं आता, पहले क्या बताओ पहले तो मैं इसको, हम सब चीजें सही थी ना, अभी जो मुझे चीजें सुननी है ये, मुझे इस पे गुस्सा आ गया, रिएक्शन मेरा बस, मुझे बस ये पता लग रहा है इसको, यही बुरा लगा है कि तुमने भी टोका है ना कि तुम ओवर हो रही हो और तुम ये सब डलेगा शायद, मुझे लग रहा है यही। यार एक बात सुनो, तो मुझे पता ही नहीं अभी बुरा क्या लगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ अभी, इतनी हम अभी हमारे इतने चैलेंजेस नहीं हुए, ठीक है वो जो हुए वो हुए, छोड़ दो चैनल अभी, एक बंदे को निकाले मुझे लग रहा है, तुम भी जाओ सही है, तुम रहो और तुम भी जाओ, तुम अपने पेपर में रहो और मैं अपना सर्विस कर लूंगी, कैसा मुझे लग रहा है पहले से ही बात जो है ये फिल्म में कुछ बात, मुझे बोलो नहीं, बोलो मैं तो लगा नहीं, मैं यहां बैठे बात कर रहे, पहले से कुछ नहीं हो रहा था, अभी जब तुम आई ना तो मुझे बहुत सारी जैसे चीजें पता चली, कौन जो ऑफ स्क्रीन, हां जब हम वीडियो से पहले, तो मुझे जब से था ये दिमाग, मैंने इसको बोला, इसने बोला चुप हो जाओ छोड़ो छोड़ो, तुम यूं गुस्सा आया कि अच्छा मैं करूं तो बुरा है जो मैंने और करे, वो कैमरे में बोला कि ये लोग मुझे बदवाएंगे, हां सब चीजें अच्छा, अब मैं करूं तो बुरा है, कोई और करे तो वो सही है, यार ये मुझे चीजें समझ में नहीं आती, तो सही हो ना तुम अपनी जगह, तुमने किसने बुरा कहा, तो मैंने इसको, मैं इसके पास एक बात लेके गई, इसने मेरी बात नहीं सुनी, वो तुम्हारी वो कर रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मुझे ये लोग बदवाएं दे रहे हैं, ये मैं वैसे की बात ही बोलूंगी, लेकिन यार इसको भी सोचना चाहिए कि ये तो मैं निकल जाती हूँ, मुझे निकालो, तुम्हारे साइड से कौन निकल रहा है?
अभी तो हो गया, इससे पहले जब तुम बना के आए थे इसने डिस्कस किया था यार। एक तो मैं बात करूं ये हंसी जा रही है, हंसना मेरी भी नेचर है, लेकिन इस वक्त सीरियस टॉपिक पे बात। लड़ाई जब हम लोग मैं हारी थी मैं तब भी हंस रही थी, हालांकि मुझे आ रहा था रोना लेकिन मैं हंस रही थी यार। मुझे बनानी नहीं है, मुझे बनानी नहीं है, मसला ये क्या है भाई? मसला बता दिया, मुझे बनानी ही नहीं। तुम्हारा मुंह दर गया था तुम्हारा, जब मैंने कहा था हंसू नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है इसका मुंह कैसे आ रहा है। मुझे तो मजाक लग रहा था, इतने कह रहा था फिर मजाक है। अबे प्रैंक था ये, कैमरा ऑन है गाइस। मैं कैसे के आंसू तो निकल नहीं रहे, मैं कैसे अपनी आंखों में यू 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 मसल के आंखों में आंसू ला रही हूँ। तो गाइस आपको प्रैंक कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया। मैं ये हमने सोचा था कि हम जो है हमें प्रैंक करेंगे अश्ना के ऊपर, अश्ना के ऊपर हमने दोनों ने सोचा था, और हमने ये कर हमने ये सोचा था 3 दिन पहले कि क्या करें प्रैंक क्या करें। चलो हम दोनों लड़ते हैं और इत्तेफाक से तुमने जो है रूल्स वाली बात कर दी आज। हाँ तो मैंने बोला फरिया बस रूल्स वाली बात, तुम्हें कुछ फन चाहिए ना तो हमने तुम्हारी शादी कर दी। तुम्हें चाहिए समथिंग न्यू, कैमरा ऑन था यार, यकीन मानो मुझे तो मजाक लग रहा था, यकीन मानो मैं इसको भी देख रही थी, ये बाकी रो रही है हंस रही है। तुम ये बड़ी थी यूं करती ऊपर, मैंने बता पाऊं कुछ नहीं कटेगा, सब टलेगा, प्रैंक है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स को कैमरे की तरफ हाई कर दो, हाई कर दो, हाई करो, हाई करो, हाई करो, हाई करो, काट देना चलो, हाय करो। कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, यकीन मानो। 100% में से कितना परसेंट तुम्हें वो अब्सुर्द या डिग्रेड वाली हमारी एक्टिंग कैसी लगी पहले ये बताओ। 1% तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक्टिंग ही कर रहे हैं, यकीन मानो मैं यही बार बार कह रही हूँ कि ड्रामे ड्रामे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वाकई रियल हो रहा है, क्योंकि हम लोग लड़ते नहीं है इस वजह से। झगड़े कब होते हैं हमारे में? हम लोग में झगड़े भी होते हैं, मैं यही कह रही हूँ। अच्छा किसकी एक्टिंग अच्छी थी? करके बोलेगी अब ये तो हंस रही थी बार बार, ये तो हंस रहा था। संडे को कोई दो ब्लॉग शूट करने, तो फिर इसको मैंने बोला, दो ब्लॉग छोड़ो, एक करते शूट और एक दिन प्रैंक कर लेंगे। हमारे जो अभी गाइस हमारा अभी एक ब्लॉग होगा जो हम इस ब्लॉग के 2 दिन बाद अपलोड करेंगे, तो या फिर 1 वीक भी लग सकता है। तो हमने अश्ना को या हम तीनों ने यह डिसाइड किया था कि हम वो ब्लॉग आज शूट करेंगे, लेकिन हम दोनों ने पहले ही 3 दिन पहले डिसाइड कर लिया कि हम एक प्रैंक करेंगे, और वो पॉइंट जो कि झगड़ा जिसपे हो सकता है हम उस पॉइंट को मुद्दा बनाएंगे। भाई मुझे लगा मेरी वजह से हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा अफसोस हो रहा हूं, बेचारी की शक्ल उतर गई। ओ क्यूट, ओ तो गाइस अगर आप लोगों को मजा आया हो कि अश्ना पे व्लॉग हुआ और प्रैंक हुआ, क्या हुआ प्रैंक हुआ तो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम में से कोई 2 लोग मिलके किसी तीसरे पे प्रैंक करें, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं।
कमेंट्स में नहीं बताए वरना वो कमेंट्स तीनों को पता चल जाएंगे। हमारी जो इंस्टा की आईडीज हैं आप उस पे बताएं उस एक बंदे को जिसके साथ आप प्रैंक करवाना चाहते हैं। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तुमने कुछ नहीं बोला, कुछ बोल रहे तुमने तो बूम बूम बड़ी स्क्रीन किया है। मैं तो अभी भी शॉक, तुम हो क्या रही है सब। आज की ब्लॉग जो हम दोनों ने शूट करी। तो गाइस आज इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली ब्लॉग में जो के है लिटरली बहुत ज्यादा फन। तो गाइस जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इतना तैयार इसलिए करवाया था दूसरी शूट।